दुनिया में ना आपको बहुत सारी अमेजिंग आर्ट्स देखने को मिल जाएंगी, अमेजिंग पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जिनको अमेजिंग आर्टिस्ट्स ने बनाया है, अपना खून पसीना सब कुछ बहाकर। लेकिन दुनिया में ना कुछ ऐसे भी आर्ट हैं जो खून पसीना बहाकर नहीं, खून पसीना मिलाकर बनाई गई हैं। एंड उन पेंटिंग्स के पास जाने के बाद या फिर उन पेंटिंग्स को देखने के बाद हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ भी कर्स हो सकती है उस पेंटिंग को बनाने वाले आर्टिस्ट की तरह। नंबर 1, दी रेन वुमेन। द रेन वुमेन को स्वेटलाना टेलर्स नाम की एक आर्टिस्ट ने ड्रॉ करा था, एंड मात्र 5 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने इस क्रीपी पेंटिंग को पूरा कर डाला था। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात स्वेटलाना ने बताई थी कि जब वो इस पेंटिंग को ड्रॉ कर रही थी, तब उन्हें ऐसा लग रहा था मानो जैसे एक इनविजिबल गाइडिंग हैंड उनकी मदद कर रहा हो इस पेंटिंग को पूरा करने में। उन्हें हर वक्त ऐसा लगता रहता था कि उनकी हैंड मूवमेंट्स को कोई कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपना हाथ इतनी ज़्यादा फास्ट मूव कर पा रही थी, एंड इसी वजह से उन्होंने इस पेंटिंग को इतनी जल्दी पूरा भी कर डाला था। लेकिन पूरा करने के बाद जब स्वेतलाना ने अपने पहले बायर को अपनी द रेन वुमेन पेंटिंग को भेजा, तो उस बायर ने कुछ ही दिनों के बाद इस क्रीपी पेंटिंग को स्वेतलाना के घर वापस कोरियर कर दिया, ये कहते हुए कि इस पेंटिंग के घर में आने के बाद से ही उनके सारे फैमिली मेंबर्स को इंसोमनिया का सामना करना पड़ गया था, एंड इवन उनके हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा स्लीप पैरालिसिस जैसी चीज़ें होना शुरू हो गई थी। एंड इस पेंटिंग के आने के बाद से उनके घर का पूरा माहौल सैडनेस, फियर एंड डिस्टर्ब्ड रहने सा लग गया था। एंड इवन द फर्स्ट बायर ऑल्सो मैंशनड कि उन्होंने इस पेंटिंग को अपने किचन के पीछे वाली वॉल की साइड टांगा हुआ था, एंड जब भी वो किचन में काम करती थी तब उन्हें हमेशा ऐसा फील होता था कि कोई ना कोई उन्हें लगातार देख रहा है। एंड इवन कभी कभार तो ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रीपी हो जाती थी कि उन्हें ऐसा लगता था कि उनके बगल में से ही बैठकर कोई उन्हें लगातार घूरे जा रहा है, एंड इसी वजह से वो अपना ऑब्वियसली कोई भी काम नहीं कर पाती थी एंड बहुत ज़्यादा नर्वस रहती थी। पेंटिंग के रिटर्न आने के बाद स्वेतलाना ने जितने भी द रेन वुमेन के लिए फ्यूचर बायर्स को ढूंढा, उन सब के घर में भी ऐसे ही डिस्टर्बिंग इवेंट से रिलेटेड चीज़ें होना शुरू हो गई थी। एंड किसी भी बायर के घर में द रेन वुमेन कुछ दिनों एंड इवन कुछ घंटों से ज़्यादा रुक ही नहीं पाई। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात बताऊँ क्या है कि जब स्वेतलाना इस पेंटिंग को अपने घर में रखती थी तब उन्हें कुछ भी पैरानॉर्मल फील नहीं होता था, एंड ना ही वो क्लेम्स वो मैच कर पाती थी अपनी लाइफ से जो उनके बायर्स उन्हें बताते थे इस पेंटिंग को वापस करने के बाद। सो मे बी द इनविजिबल हेल्पिंग हैंड जो स्वेतलाना की मदद कर रहा था वो ये नहीं चाहता कि स्वेतलाना के अलावा इस पेंटिंग को कोई और भी रखे। नंबर 2, स्केरी समांथा ह्यूस्टन। इस पेंटिंग को आज की डेट में ऑस्टिन टेक्सास के एक होटल ड्रिस्किल के अंदर डिस्प्ले किया गया है, एंड एज मोस्ट ऑफ द कर्स्ड पेंटिंग्स इन दिस लिस्ट इसके आर्टिस्ट भी अननोन है, बट द स्टोरी एंड रियलिटी बिहाइंड दिस पेंटिंग इज रियली सैड, स्केरी एंड शॉकिंग। 1887 में एक US सेनेटर ने अपनी 4 साल की बेटी समांथा ह्यूस्टन को खो दिया था जब वो खेलते खेलते सीढ़ियों से गिर गई थी, एंड शी डाइड इवेंचुअली। एंड उसकी याद में उस US सेनेटर ने एक बहुत ही जाने माने उस समय के आर्टिस्ट से अपनी बेटी समांथा ह्यूस्टन की एक पेंटिंग को बनवाया एंड अपने पास अपनी डेथ तक रखा। कहते हैं कि समांथा ह्यूस्टन का वो घोस्ट आज भी उस पेंटिंग के जरिए से जीवित है। एंड इतना ही नहीं, आज भी होटल स्टाफ एंड बहुत सारे कस्टमर्स की कंप्लेंट आती है इस पेंटिंग को रिवॉल्व अराउंड करते हुए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट द पेंटिंग ऑफ समांथा ह्यूस्टन जो उन्होंने डिस्प्ले करी हुई है। एंड ड्रिस्किल होटल के बहुत सारे कस्टमर्स एंड स्टाफ मेंबर्स ने ये कंप्लेंट्स करी थी मैनेजमेंट को कि अगर आप समांथा की इस पेंटिंग को देखते देखते पलक वगैरह झपका लेते हो या फिर 1-2 सेकंड के लिए इधर उधर देख लेते हो तो अगली ही फ्रेम में
वो पेंटिंग अपने एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल चुकी होती है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि इस पेंटिंग को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने समांथा की स्पिरिट, समांथा की एपरिशन तक को भी अपने होटल के लॉबी या होटल के रूम्स के अंदर देखा है। एंड इतना ही नहीं, कई कस्टमर्स ने तो ये भी कंप्लेन किया है कि उन्होंने अपने बाथरूम के अंदर से प्लेइंग बॉल की साउंड्स आ रही हैं, यानी कि उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई अंदर उनके बाथरूम में बॉल के साथ खेल रहा है। एंड इतना भी काफ़ी कहाँ था, कई कस्टमर्स ने ये भी बताया कि उन्होंने जब इस पेंटिंग को ऑब्जर्व किया एंड ऑब्जर्व करने के बाद जब वो अपने दिमाग में इस पेंटिंग के बारे में सोचे जा रहे थे एंड सोचते सोचते जब उन्होंने अपने होटल के रूम के शीशे के आगे देखा तो उन्हें अपने पीछे समांथा की एपरिशन दिखी जो उन्हें एक बॉल को ऑफर करते हुए खड़ी थी। लेकिन जैसे ही वो टर्न अराउंड हुए, नो वन वॉज देयर। अच्छा, व्हाट आर द चांसेस ऑफ कोइंसिडेंस कि जिस साल में 1887 में समांथा जब 4 साल की थी, जब उनकी डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, तब उनके हाथ में वो ही बॉल थी जो लोगों ने एक्सपीरियंस करी है, जो लोगों ने देखी है समांथा की एपरिशन के हाथ में। नंबर 3, द अनटाइटल्ड हॉरर। ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग का तो कोई ऑफिशियल टाइटल भी नहीं रखा गया है, लेकिन इस पेंटिंग की बैक स्टोरी आई गारंटी बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग जरूर होने वाली है। इस पेंटिंग के बिहाफ में ये बताया जाता है कि जिस भी आर्टिस्ट ने इसे ड्रॉ किया है, उसने डेथ के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स एक ही पिक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करे हैं। टॉपिक्स सच एज हेल, हेवन, सुसाइड, टॉर्चर, ओल्ड एज एंड जो भी टॉपिक्स आप अपने दिमाग में ला सकते हो डेथ से रिलेटेड। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वो जो भी आर्टिस्ट था उसने ऐसी ही पेंटिंग क्यों चुनी, उसने ऐसी ही पेंटिंग क्यों बनाने की कोशिश करी, वो इतना अच्छा आर्टिस्ट था, वो तो कुछ भी बना सकता था, तो इसके पीछे की मोटिवेशन उसके लिए क्या रही होगी। दरअसल इस पेंटिंग के पीछे उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं थी, उसके लिए बल्कि एक ट्रेजिक इवेंट्स की लिस्ट थी जो उसके फैमिली के साथ हो रही थी, जिसमें 1998 में उसने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अपनी बीवी को खो दिया ट्यूबरकुलोसिस के चलते, एंड देन उसके एक साल बाद उसके बेटे ने, इकलौते बेटे ने डिप्रेशन के चलते हुए सुसाइड भी कर लिया था। एंड दैट इज द सोल रीजन कि उसने एक ऐसा आर्ट पीस बनाने का अपने दिमाग में सोचा भी। लेकिन इस पेंटिंग को कंप्लीट करने के जस्ट बाद एक लैंडलॉर्ड से उसने $100 का रेंट लोन पर ले रखा था, एंड उस लोन को रीपे करने का जब टाइम आया तो उस आर्टिस्ट के पास उस लैंडलॉर्ड को कुछ भी देने के लिए, कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं था। एंड गुस्से में आकर उस लैंडलॉर्ड ने उस आर्टिस्ट का ही मर्डर करवा दिया सिर्फ $100 के लोन के लिए। वेल, स्टोरी तो आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगी होगी, बट वॉट इज द मोस्ट कर्स्ड थिंग अबाउट दिस पेंटिंग। दरअसल इस पेंटिंग के पीछे ना एक ही स्टोरी रिवॉल्व अराउंड करती हुई आ रही है, एंड दैट इज कि अगर आपने इस पेंटिंग की अच्छे से हर एक डिटेल को समझ लिया या फिर देख लिया ना, तो यू विल लीड योर सेल्फ इन टू ओनली वन सिचुएशन एंड दैट इज डेथ। एंड आई थिंक ऐसे कुछ इंसिडेंट्स भी आए थे इस पेंटिंग को देखने के बाद, जब कुछ इनोसेंट लोगों ने अपनी प्रेशियस लाइफ को गंवा भी डाला था। हो सकता है कि वो जो भी डेथ्स रिपोर्ट करी गई थी वो जस्ट एक मेयर कोइंसिडेंस हो, बट गिवन द बैक स्टोरी ऑफ दिस पेंटिंग एंड द आर्टिस्ट बिहाइंड इट, हायर मैनेजमेंट किसी भी टाइप के चांसेस लेने की उम्मीद में नहीं थी। दैट इज वाई इस पेंटिंग को आज के वक्त में बिल्कुल अंधेरे में रखा गया है, एंड ऑब्वियसली नो वन इज इवन अलाउड टू सी इट। मुझे पर्सनली भी ना ये पेंटिंग देख के काफ़ी अनईजी सा फील होने लग गया था, तो मैं तो यही बोलूँगा यार कि आप ये वाली पेंटिंग से थोड़ा दूर ही रहो, ज़्यादा इसको देखना वेखना समझने की कोशिश मत करना, एंड भूल जाओ कि मैंने आपको कुछ बताया इस पेंटिंग के बारे में, भूल जाओ। मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरीके से हर्ट हो ऐसे किसी टॉपिक के कारण। नंबर 4, द क्राइंग बॉय। द क्राइंग बॉय पेंटिंग में आप जिस मासूम बच्चे की रोती हुई शक्ल को देख रहे हो, इस बच्चे का नाम था डॉन बोनिलो, जो अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था स्पेन के अंदर, और इस पेंटिंग को पेंट किया था एक मशहूर पेंटर ब्रूनो एमरिलो ने। ये बच्चा ना अपने पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड था, एंड ये अपने पेरेंट्स के लिए एक कर्स साबित होता है, बिकॉज एक दिन ये बच्चा अपने पेरेंट्स के घर में आग लग जाने का मेन कारण बन जाता है। एग्जैक्टली क्या हुआ था नोबडी नोज, इनका घर कैसे जल गया था किसी को नहीं पता, बट कुछ रिसर्च की माने तो इस बच्चे ने गलती से एक लालटेन पर लात मार दी थी, जिसकी वजह से जमीन पर सबसे पहले आग लगी एंड वो पूरे घर में फैल गई,
एंड किस्मत से ये बच्चा तो बच गया, लेकिन इसके दोनों पेरेंट्स जलकर राख हो गए। एंड ये पेंटिंग कर्स क्यों है, ये सुनने के बाद आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। कहते हैं कि आगे फ्यूचर में जितने भी लोगों ने द क्राइंग बॉय पेंटिंग को अपने घरों में टांगा, उन सभी के घर जलकर ऑलमोस्ट राख हो गए थे। एंड किसी को भी उनके घर के जलने के पीछे आज तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला किसी भी फैमिली को। किस्मत से किसी भी फैमिली के घर में जितने भी लोगों ने इस पेंटिंग को रखने की हिम्मत करी थी, वहाँ कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई। बट एक अमेरिकन घर में एक ओल्ड कपल रहा करता था जिसने इस पेंटिंग को जाने अनजाने में खरीद लिया, एंड उनका भी घर ना ऑलमोस्ट जल जाता है, एंड ये दोनों भी ना एकदम एंड टाइम पर बचकर बाहर निकल पाए थे। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जितने भी घरों में आग लग गई थी ना इस पेंटिंग के कारण, उस घर में सब कुछ जल जाने के बावजूद भी इस पेंटिंग का बाल भी बांका नहीं हुआ था। और बीबीसी के ना एक लाइव शो में ना इस हॉन्टेड पेंटिंग की हॉन्टेड पावर को शोकेस करते हुए इस पेंटिंग के ऊपर आग लगाने की कोशिश भी करी गई, एंड इसके नीचे एक बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लेम को रख दिया गया। एंड आप देखोगे कि इस पेंटिंग ने किस मैजिकल पावर से उस फायर को रेजिस्ट किया। एंड हम तो जानते हैं कि एक कागज का टुकड़ा कुछ ही सेकंड्स में जलकर एकदम ऐश बन जाता है, लेकिन इस पेंटिंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड ये भी माना गया है कि जितना हिस्सा इस पेंटिंग का जल गया था, वो कुछ ही समय में मैजिकली अपने आप वापस रिकवर भी हो गया। Is slowly inching towards the figure. Just the lapel of his jacket has disappeared now. The painting had a hole in it from where the fire had touched it, but the flames hadn't spread. But you'd have to say that fire's pretty much going out. खैर, इस बच्चे के माँ बाप के मरने के बाद इस बच्चे का क्या किया गया था, nobody clearly knows. और इतने छोटे से बच्चे की पेंटिंग इतनी ज्यादा कर्स कैसे हो सकती है? Maybe the nature has its answer. नंबर 5, द एंग्विश्ड मैन के आर्टिस्ट के ऊपर भी ना एज यूजुअल बहुत ज़्यादा कम इन्फो है। एंड इवन आफ्टर अ डेकेड किसी को भी नहीं पता कि इस भयानक सी पेंटिंग को किसने ड्रॉ किया था। बट ये जरूर पता चला था कुछ रिसर्च के चलते हुए कि इस पेंटिंग को जिसने भी बनाया था ना अपना खून पसीना बहाकर, उसने सच में ही अपना खून बहाकर इस पेंटिंग को बनाया था। एंड पेंट्स के अंदर उसने अपने ब्लड को ही मिक्स कर दिया इस पेंटिंग को ड्रॉ करने के लिए। एंड ये तक भी माना जाता है कि इस पेंटिंग को पूरा करने के बाद उस आर्टिस्ट ने सुसाइड ही कर लिया था। इस पेंटिंग के आज की तारीख में जो ओरिजिनल ओनर हैं वो हैं शॉन रॉबिन्सन, एंड उनकी ग्रैंड मदर ने उनको ये पेंटिंग एज अ गिफ्ट दी थी। एंड सून आफ्टर डूइंग दैट उनकी ग्रैंड मदर पासिस अवे। शॉन को भी पता चल गया था कि ही माइट बी हैविंग द वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड पेंटिंग इन हिज हैंड्स। एंड ये ट्राई करने के लिए क्या वो पेंटिंग सच में उसकी लाइफ को कर्स कर सकती है या नहीं, उसने स्केरी पेंटिंग को एक बंद कमरे के अंदर रख दिया जहां कोई भी विजिट नहीं किया करता था। एंड उसने एग्जैक्टली इसी पेंटिंग के सामने एक हिडन कैमरा भी रख दिया उस वक्त में। एंड ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इवन शॉन की उस ओरिजिनल हिडन कैमरा की फुटेज को ना उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डाल रखा है, एंड उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। खैर, इस पेंटिंग को जिस कमरे में उन्होंने रखा था उसको तो ये अच्छे से कर्स कर चुकी थी, एंड शॉन ने ये कन्फर्म भी किया। एंड शॉन ने ये भी बोला कि ये पेंटिंग अपना बैड लक दूसरों को बांटने में बिल्कुल भी नहीं शर्माती। शॉन ये बताते हैं कि जिस रूम के अंदर उन्होंने इस पेंटिंग को रखा था, उस रूम का दरवाजा सीक्रेटली अपने आप खुलता और बंद होता रहता था, मानो जैसे कोई सीक्रेटली उस दरवाजे के अंदर से आ रहा हो एंड जा रहा हो। एंड इतना ही नहीं, शॉन ने यह भी बताया कि उस रूम में से उन्हें कभी कभार किसी के रोने की आवाजें भी सुनाई देती थी। एंड इवन उसने ये भी बताया कि जब वो इस पेंटिंग को लगातार कुछ समय तक देखने की हिम्मत कर लेता था तो उसे ऐसा लगने लगता था कि समवन इज जस्ट स्टैंडिंग राइट बिहाइंड हिम, एंड डर के मारे उसकी तबीयत भी खराब होना शुरू हो जाती थी एंड उसका शरीर भी ठंडा पड़ना शुरू हो जाता था। वेल, इस पेंटिंग के पास्ट एंड प्रेजेंट बिहेवियर को देखते हुए शॉन रॉबिन्सन ने एक बहुत ही अच्छा काम किया
एंड वो ये था कि उसने इस पेंटिंग को एक होली कंपार्टमेंट के अंदर बंद करवा के सेफली कहीं पर रखवा दिया। एंड उस दिन के बाद से उनकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत नॉर्मल होना शुरू हुई एंड पैरानॉर्मल उनकी ज़िंदगी से धीरे धीरे जाने लगा। एंड शॉन ये बताते भी नहीं है कि उन्होंने क्लियरली इस पेंटिंग को किस जगह पर रखवाया है, एंड वो ऐसा इसलिए करते हैं कि कोई उस पेंटिंग को चुरा कर अपनी ज़िंदगी को ना कर्स कर ले। बट आई डोंट नो कि जिस चीज़ की बैक स्टोरी ही इतनी ज़्यादा कर्स सुनने में लगती है, उस चीज़ की एक फिजिकल फॉर्म कोई भी अपने घर में क्यों रखना चाहेगा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं रखूंगा, कोई मुझे पैसे देगा तो भी नहीं। क्या अगर आपको इनमें से कभी भी कोई भी पेंटिंग किसी भी कारण से रखने का मौका मिले तो क्या आप अपने घर में इन्हें रखना चाहोगे? एंड कमेंट करके ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो का टॉपिक कैसा लगा, इंटरेस्टिंग था या नहीं, एंड आपके लिए सबसे ज़्यादा स्केरी पेंटिंग कौन सी थी जिसको देखने के बाद शायद आपको भी अनइजी फील हुआ हो। फ्यूचर में भी ऐसी क्वालिटी हॉरर वीडियोस को देखना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, तो वीडियो पर एक लाइक भी जरूर छोड़ना। एंड इसके बाद आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बाकी सब अब मेरे पर छोड़ दो।